हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आप देख रहे हैं सराजिन व्लॉग। तो जी आज आपका वेलकम हो गया मेरे एक नए व्लॉग के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से कर दो, क्योंकि यार आज तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है। जो नियो वाला है तकरीबन प्लांथर जो ये तीन रदे हैं, यहाँ तक तीन रदे लगाए ने कल और परसों में। तो ये आखिरी लाइन है प्लांथ की और इससे ऊपर प्लांथ नहीं हो सकता, यानी कि आप इधर तक बढ़ती पड़ेगी। बढ़ती पहले बहुत ज़्यादा थी, वो हमने निकाल दी थी तो, लेकिन अब कम हो गया तो इसलिए अब जहाँ जहाँ निकाल कर फेंकी थी वो सारी लेके आएंगे वापस। और उसके अलावा अगर और डालनी पड़ी तो फिर मंगवा कर और भी डालेंगे। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं जी, तकरीबन रदे पूरे लग चुके हैं। और ये देखेंगे अभी यहाँ पर बढ़ती कम थी बहुत ज़्यादा, तो इधर अब जहाँ जहाँ फेंकी थी यहाँ से निकाल कर वो इधर दोबारा ला रहे हैं लड़के। तो अभी उनको पानी वगैरह दे के आया हूँ तो वो भी बढ़ रहे हैं, तो बढ़ती इधर आज फेंक देंगे तकरीबन ये पूरी काट। तो जी अभी मैं आया हुआ था डेरे पर, तो जो ट्राली वाले थे वो भी जुमा पढ़ने के लिए अभी चले गए हैं, क्योंकि आज जुमा है तो तकरीबन घंटा एक रह गया। तो मैं अभी आया हुआ था डेरे पर ये गायें वगैरह और बाकी भैंसों को छाँव में बांधने के लिए, और पानी वगैरह रखा है डॉग्स वगैरह को। और अभी जी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए अभी चलते हैं घर, नहाते धोते हैं, जुमे की तैयारी करते हैं और फिर जी शाम को जो बाकी बर्ती रह गया वो डालेंगे जी। तो जी अभी चलते हैं नहाते धोते हैं और जी जुमे की तैयारी करते हैं। तो चलिए जी अब चलते हैं। डेढ़ सौ अभी जानते हो गए नौ पंताली हुए हुए नी तू सोनी बाली करता दिल मिलने नु काली कातों तू डरती कुड़िए लाली मेरे नाज यारी हुए हुए नी तू सोनी बाली करता दिल मिलने नु काली। हेलो गाइस, आज है जी ब्लॉग का दूसरा दिन, क्योंकि कल जो आए थे बर्ती डालने वाले वो थोड़ी देर रात को आए थे, तकरीबन तीन चार ट्रालियाँ फेंकियाँ ने और फिर वापस चले गए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जी अभी तकरीबन सुबह के 9-10 बज चुके हैं, तो मैं अभी डेरे पर आया हूँ। तो बर्ती वालों से पूछा कि कब डालोगे, तो वो कहते हैं कि शाम को आएंगे और फिर डालेंगे, तो इसलिए अब मैं आया हूँ डेरे पर। तो मुझे मिल गया था लकड़ों वाला बंदा, तो उसको मैंने बोला जी आकर लकड़ें काट दो, तो जी इसलिए वो भी आया हुआ है लकड़ियाँ काटने के लिए। ये आप देख सकते हैं उस दिन जो मैंने आपको दिखाया था कि मुंड गिर चुका है, तो इसलिए वो मुंड जो है आप उसकी लकड़ियाँ वगैरह बनवा लेंगे। तो जी अभी आप देख सकते हैं जी मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही थी, तो लेकिन अभी ये जो आप देख सकते हैं जी हवा चलने लगी है और मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इससे हवा चलती रही तो काम वगैरह होते रहेंगे, क्योंकि गर्मी में बहुत कम काम होता है। उसके अलावा जी ये कूलर है हमारा पुराना कूलर, तो ये इधर पड़ा हुआ था, तो इसको ठीक कराना है। इसकी जो ये जाली है पीछे वाली, ये इसमें घास वगैरह नहीं है वो, तो ये लगवानी है। तो उसके अलावा ये आप देख सकते हैं गंदगी वगैरह हो गई है, इस सबको साफ़ करना है। और ये जो पाइप है इसका,
ये वाला पानी फेंकने वाला और ये भी टूटा हुआ है, तो इसकी जगह यहाँ पर वो दूसरा मिलता है अब छोटा सा सिस्टम, तो उससे वो लगाएंगे तो सारा पानी फेंकने लग जाएगा। तो तकरीबन ये जो काम है इस इन सब को करते हैं और फिर इसको कूलर को बिल्कुल तैयार करके उधर बाहर गालियाँ करेंगे, खुद भी बैठा करेंगे और जानवरों को भी बिठाया करेंगे, क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए जानवरों को लगाना ज़रूरी है। ये वाले भैंस है जो हमारी बहुत ज़्यादा इसे गर्मी लग जाती है और ये बीमार हो जाती है, इसलिए स्पेशली इसको कूलर लगा के देंगे। तो आज इसको सेट करते हैं और सुबह या रात को या कल लगा देंगे। लाभ भी है